सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो आज या नाई पर मसल हुआ लिया वहाँ पड़ी ना पिसल है आटा साना जा रहा है। दोस्तों अभी रोटी गोल गोल नहीं हो रहा है, अभी घूम नहीं रहा है, अभी मैं बेल काट रहा हूँ। थोड़ा छोटा सा प्यार सा किचन है दोस्तों, देख सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह 6:30 बजे आप लोग को मैं मॉर्निंग बोला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इधर आज क्या हो रहा है, देख सकते हैं चूप है, कच्चा मसाला पीसा जा रहा है। दोस्तों कच्चा मसाला पीसा जा रहा है और सब्जी में डालने के लिए कच्चा मसाला जैसे कड़ा होता है, पपीता होता है, हम लोग इस पर सिर्फ कौन पड़ी हो दोस्तों, अभी जैसा पूरा साफ है इधर, इधर बच्चे नीचे इधर देख सकते हैं गुरु बच्चू हमारा इधर है। तो सुबह सुबह हल्का फुल्का ठंड है और जितना गर्म कपड़ा था सब अंदर रख दिया गया है। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीब करीब 1 हफ्ता के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि कहीं चला गया था और वीडियो नहीं बना पाया था। शादी ब्याह में आप लोग देखे ही थे, उसके बाद ही मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आज। तो दोस्तों आज शायद रविदास जयंती है, इसलिए बच्चों का छुट्टी भी है। बच्चे नीचे देख सकते हैं खेल रहे हैं और शायद आज पढ़ने नहीं जाएंगे, हर इन लोगों का छुट्टी है। इधर देख सकते हैं अभी मसाला, तो चलो दोस्तों अब मसाला हो गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है लोहा और सील, यानी कि सील बट्टा भी इसे कहा जाता है। गांव में अक्सर लोग मसाला इसी में पीसा जाता है। हमारे नीचे भी एक सील बट्टा है, ऊपर भी एक सील बट्टा है, नीचे घर में हम छत पे एक नया लिए थे, देख सकते हैं। तो हम अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो चलिए छत पे चला जाता है। आप लोगों को मैं अपना प्यारा सा घर दिखाई दिया हूँ। अभी देखिए 6:30 बज रहा है, ठंड भी बढ़ गया है थोड़ा हल्का सा, काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों पूरा देख सकते हैं ये हमारा गांव है। अभी देखिए गांव में सुबह सुबह काफी शांति है, कहीं भी शोर नहीं हो रहा है। आज जैसे जैसे समय बीतेगा उसे जैसे शोर बढ़ना भी चाहिए, सब देख सकते हैं नीचे। मैं तो तल्लीफ खड़ा हूँ। तो दोस्तों ऊपर देख सकते टंकी है, ये देखिए टंकी पर क्या बैठा है कबूतर, दोस्तों देख सकते हैं इधर देख सकते हैं, काफ़ी शांति है। दोस्तों अभी मैं भी ब्रश नहीं किया हूँ, देखिए सूर्य उदय हो रहे हैं, जय हो सूर्योदय, सूर्य देवता। इधर देख सकते हैं छत, गांव की हमारा काफ़ी सुंदर गांव हमारा है, देख सकते हैं। देखिए हमारा किचन प्यारा सा किचन है, देखिए इधर ये का चिल्ला रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं शायद पपीता, पपीता दोस्तों सब्जी सा राज बन रहा है, देख सकते हैं देख सकते हैं। ये देखिए पपीता का तो सब्जी बना मुश्किल, इसलिए शायद कच्चा मसाला पिसाया गया है, सूखा नहीं पड़ता है। पपीता का सब्जी बनाई है, देख सकते पपीता का सब्जी बन रहा है। और आज बच्चों का छुट्टी भी है, जयंती है। और देखिए चलिए दोस्तों पल ब्रश कर लेता हूँ, फिर से मैं ब्रश नहीं किया हूँ, देख सकते हैं नाश्ता पानी करने जा रहा हूँ। अभी अभी ब्रश करके हम लोग आए हैं, आज देख सकते हैं बच्चों का छुट्टी है। कहाँ चला चोर हम पगलो, दोस्तों देखिए भैया डिनर हम खाने के लिए चल रहा है, आटा सानने की तैयारी चल रहा है। तो हम लोग का छोटा सा प्यारा सा परिवार है, आप फिलहाल हम चना चना जामा लाइव
चलिए दोस्तों, अभी चना जावा नहीं, फिर भी खाया था, जमा रहता और अच्छा लगता है। अभी चना जा रहा है, गैस पे बन रहा है, आटा के गुथा जा रहा है। दोस्तों ये हम लोग का छोटा सा घर है, प्यारा सा, इधर देख सकते हैं सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है, मसाला भी पीस दिया गया है सिल्वर टेप पर। आज पपीता का सब्जी बन रहा है, इधर देख सकते हैं बन रहा है। अभी मैं भी रोटी बनाऊंगा, काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ सब्जी रोटी बनाना। आइए बनाइए रोटी, मैं भी जा रही हूँ। काफ़ी रिश्तेदार में शादी पड़ा है इधर से उधर, तो जाएंगे तो 3-4 दिन खातिर जाएंगे, तो मुझे अकेले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज, इसलिए सब कुछ सीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या क्या सीखना पड़ रहा है। अच्छा बेटा वहाँ से कहा लग जाइए, दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए हमारे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, मैं उनको रोटी बनाने के लिए सिखा रही हूँ। दोस्तों देखिएगा ये रोटी किस तरह से बना रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देख सकते हैं रोड के लिए यही हमारा काम, दो 4 रोटी जरूर बनाता रोटी नहीं हो रहा है, बनाएंगे तो हो जाएगा रोटी। देखिए अब रोटी हो रहा है, अब चलिए होने दीजिए, अब उनका काम है दोस्तों, होने दीजिए। इतना समय दे दिया हूँ, कुछ सीख लिया हूँ, अब थोड़ा इधर तैयारी करता हूँ। बच चुका है, अभी कुछ बुला रहा, चलिए नीचे चलता हूँ। शायद मोबाइल रिचार्ज करना है, गांव की जिंदगी है दोस्तों। हल्का हल्का ठंड लग रहा है, लेकिन इनका मोबाइल रिचार्ज करना खोल दिया गया है, काफी अंधेरा था गांव घर में। देखिए आदित्य बैठे हैं, आदित्य पढ़ाई नहीं का हो तुम्हारा? तो दोस्तों देखिए बच्चों का छुट्टी है, रविदास जाएंगे और हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। यार देखिए दोस्तों आज सुबह सुबह थोड़ा ठंड लग रहा है, हल्का फुल्का सुबह में ठंड लगता है, दोपहर में थोड़ा ठंड कम हो जा रहा है। अभी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, अब सारे लोग तैयारी कर रहे हैं खाने के लिए, मैं भी चल रहा हूँ दोस्तों, खाना खा लेता हूँ। 8 बज गया है, सुबह सुबह भूख लग जाता है। ये बच्चे हैं, कृष्णा हैं, आदित्य हैं और अंकुश हैं। देखिए सबको खाना खिलाया जा रहा है, सब खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ले लो पानी। तो देखिए सारे बच्चे आ रहे हैं, चम्मच खाए का हो? इधर देखिए आदित्य हैं, आदित्य आराम से, इधर देख सकते हैं अंश हैं, अंकुश हैं, सारे लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं भी खाने की तैयारी हूँ, अभी आ रहा है बेटा, तू खा लो। इधर देखिए कृष्णा इधर है, अभी देखिए रोटी खत्म हो गया, लास्ट चल रहा है, मैं भी खाने के लिए सकता हूँ। हमारा छोटा सा किचन है, जिंदगी यही है। और हम लोग देखिए सुबह सुबह, आज तो रविदास जयंती छुट्टी है बच्चों का, घर से पूछा था वो आज नहीं खाए थे। कृष्णा अंश की मम्मी और आदित्य की मम्मी है, और इसी हम लोग खाना के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर अंकुश तू खा लो, कब खा लो आंस मांस नहीं खा लो खाना, तो खाना मुख का रहो, भूख लगल बा। अभी भैया था भाई। इधर देखिए हमारे पिताजी भी नहा रहे हैं, लेना बेटा मोबाइल गिर जाएगा।
पिताजी देखिए नहा रहे हैं नीचे, मोटर चालू है। उधर ये गुरु बछरू का कार्यक्रम शुरू है। इधर देखिए सुबह सुबह ठंड लग रहा है। इधर बच्चे खाना खा रहे हैं, अब मैं भी खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ। खाना आ गया है, अब मैं भी खाने के लिए चल रहा हूँ। पपीता का सब्जी बना है और काफ़ी आओ यार आओ तो हम चल जाए यार तो अब अंदर चल रहा हूँ खाने के लिए। तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। इधर देख सकते हैं ये कौन लड़का बैठा है, आदित्य। आओ उधर देख सकते हैं कृष्णा है। हाँ देखिए दोनों लोग बैठ के खाना खाने के लिए चल रहे हैं। अभी भी ऊख है गन्ना करीब दोस्तों, वही हो गया 10 दिन से गन्ना रखा गया था। रोज इकट्ठे सुबह सुबह चुहता हो, काफ़ी मज़ा आता जैसे चुहाने दोस्तों। वैसे कहीं दुकान पर मिलता है तो खरीद भी लेते हैं, काफ़ी पसंद है गन्ना चुना मुझे। कितने दोस्तों सड़क पर जाकर पीते हैं गन्ना का रस पीते हैं, मैं भी पी लेता दोस्तों। दोस्तों अब जाने का समय हो गया कौड़ी राम दुकान पर। ये गन्ना देखिए इतना बड़ा है, आप चुनेंगे पूरा तब यहाँ से निकलेंगे। अभी हमारा खाना यानी कि टिफिन पैक हो रहा है, जल्दी मैं निकलूँगा यहाँ से। आज दोस्तों आज मौसम ख़राब हो गया था, धूप नहीं हुआ है। देखिए इन्होंने सब धोकर रख दिया था, बड़ा ठंडा लगा फिर से पहन लिया हूँ। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ ठंडा है कि नहीं है, कहाँ से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए छत चल रहा हूँ छत पर, गन्ना चुग लिया। देखिए पीछे धूप हो चुका है, काफ़ी आराम मिला है, पीछे धूप हो चुका है। देखिए इधर क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ पर गए जी, शायद है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कपड़ा धोने की तैयारी हो रहा है, अभी देख सकते हैं बालू निकल रहा है। हमारा नाला सही से हुआ नहीं दोस्तों, जिस दिन नाला हो रहा था वो दिन बारिश रह कर हो रहा था, सुबह से बारिश नहीं हुआ। करीब 11 से 12 बजे के बाद बारिश शुरू हो गया, वो भी दोस्तों थोड़ा तेज़ ज़्यादा तेज़ से नहीं हुआ था, पर रह कर बारिश होता झिमझाम, उसके वजह से थोड़ा नाला हमारा लोग का ख़राब हो गया है। अब देखिए कपड़ा धोने की तैयारी हो रहा है, अब मैं भी दुकान के लिए तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ऊपर धोया जा रहा है सब कुछ, कपड़ा पानी होता ना तो तो दोस्तों देखिए आदित्य भी आ गए हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से चला जाता है, दुकान के लिए भी लेट हो रहा है। दोस्तों चलिए अब दुकान में चलता हूँ, अब फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है रहेगा। एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक है दोस्तों बाय बाय।